हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलायंस जियो 4G की स्पीड जो है, इंटरनेट की स्पीड, वो ट्राई करने वाले हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है रिलायंस 4G का टावर, जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर है। ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इट इज़ अराउंड अ किलोमीटर फार अवे फ्रॉम माय प्लेस। ये वो टावर है। अब देखते हैं एक और टावर जो कि मेरे ही घर के पास है, जो कि उससे काफ़ी करीब है। यू कैन सी दिस हियर, ये है। यहाँ पर एक और टावर है जो कि मेरे घर से काफ़ी करीब है। जितना कि वो टावर दूर है, ये इतना दूर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और टावर है, दिस वन हियर। ये टावर भी काफ़ी नज़दीक हैं। अब चेक करते हैं कि जब हमारे घर के चारों तरफ अगर रिलायंस 4G के टावर्स लगे हुए हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो मोबाइल में कितनी आती है। लेट्स ट्राई नाउ। ये जो इंटरनेट है मेरा, वो कनेक्टेड है ऑलरेडी 4G के थ्रू। लेट्स ट्राई द स्पीड टेस्ट। सो बेसिकली द थिंग इज दैट इट स्टेज अराउंड 4 to 10 Mbps during the preview offer. Sometimes it goes beyond 10, 15 and 20 Mbps, but generally since last few days I have been using this for the past 1 week, but पिछले कुछ 5 दिनों से या 4 दिनों से इसकी जो स्पीड है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। पहले जो वो काफ़ी अच्छी स्पीड आती थी, बट प्रीव्यू ऑफर में अभी काफ़ी लिमिटेशन है स्पीड में। स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं आ रही है, 10 Mbps से ऊपर तक नहीं स्पीड आ रही है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो स्पीड है अभी जो दिखा रहा है वो थी, इट इज़ 2.4 Mbps डाउनलोड एंड ऑलमोस्ट 8.81 Mbps डेट इज़ अपलोड। सो अपलोड स्पीड इज़ हायर देन द डाउनलोड स्पीड। आई डोंट नो, जनरली कोई ब्रॉडबैंड कंपनी जो है वो इतना देती नहीं थी पहले, पर दिस स्पीड इज नॉट वर्थ द डाउनलोड स्पीड इज ओनली 2.4 Mbps, दैट इज जस्ट नॉट वर्थ। ये तो ये जो स्पीड है वो ब्रॉडबैंड के 4 Mbps या 8 Mbps के प्लान से भी काफ़ी कम है। बट वी जस्ट होप कि जब वो कमर्शियल लॉन्च करेंगे तब स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि अभी अगर ये स्पीड पर देखा जाए तो दे के नॉट जस्ट रोल आउट दैट कमर्शियल प्लान्स 2 Mbps या 3 Mbps की स्पीड का जो इश्यू है, दे हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी सून। अपलोड स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है अभी, बट डाउनलोड स्पीड बहुत कम है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ये जो है वो जो स्पीड टेस्ट मैं जो कर रहा हूँ, वो जियो फाई डिवाइस से ये जो फ़ोन है वो मेरा कनेक्टेड है। दिस इज़ द जियो फाई डिवाइस। ये डिवाइस से ये फ़ोन जो है वो कनेक्टेड है। देखिए टावर भी है, वो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, दैट इज़ द टावर स्ट्रेंथ। टावर स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। दिस वन इट शोज दैट द डेटा इज़ कनेक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग, एंड दिस इज़ द वाईफाई सिग्नल, दैट वाईफाई इज़ कनेक्टेड विद द जियो डिवाइस। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, चेक इट आउट। सो अभी भी जो स्पीड दिखा रही है वो 32.61 Mbps। लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। अभी हम लोग एक और टेस्ट करेंगे जब मैं जाऊंगा इस डिवाइस और इस फोन को लेकर जियो के टावर के एग्जैक्टली नीचे। आई विल गो एंड स्टैंड बाय एंड देन वी विल चेक अगेन। जियो टावर, जियो 4G के जो टावर्स होते हैं वहाँ पर मैं जाऊँगा और वहाँ से एक बार हम लोग
स्पीड टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि जब टावर के करीब जाते हो आप तब इसने तब इसमें कितनी स्पीड आती है। देखिए अभी भी 2.65 Mbps एंड 8.54 Mbps इज अपलोड स्पीड, तो द स्पीड इज़ रियली लो। इतनी स्पीड अगर आती है तो वी कैनॉट जस्ट एक्सपेक्ट टू यू नो यूज जियो प्ले एप्लीकेशन, जियो ऑन डिमांड एप्लीकेशन, कोई भी वीडियो जो है इवन यूट्यूब के जो वीडियो हैं वो इतनी स्पीड में बफरिंग के बगैर हम लोग प्ले नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम एग्जैक्टली रिलायंस जियो के 4G के टावर के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट करना जो है वो शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीड टेस्ट जो है वो तकरीबन 18 Mbps आता है एग्जैक्टली अगर हम टावर के नीचे खड़े रहते हैं तो। लेट्स ट्राई अगेन एंड चेक अगेन। जैसे कि आप देख सकते हो ये सीधा जो है वो सडनली जो है सीधा 13 Mbps के ऊपर चला जाता है, 10 Mbps के ऊपर वो जाता ही जाता है अगर हम टावर के एग्जैक्टली नीचे खड़े रहते हैं और स्पीड टेस्ट करते हैं तो। लेकिन जब हम घर में होते हैं या कहीं बाहर होते हैं जो जहाँ हम टावर से थोड़े दूर होते हैं तो वहाँ पर जो है वो स्पीड इतनी नहीं मिलती है हमें। लेट्स ट्राई अगेन। ये देखिए हर बार जब हम ट्राई करते हैं तो स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है अगर वी आर स्टैंडिंग जस्ट नियर टू द टावर। ये देखिए अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीड जो है वो तकरीबन 10 Mbps के ऊपर ही मिलती है हमें। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम द लास्ट टाइम, लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। लेट मी एडजस्ट द ब्राइटनेस फॉर यू। ओके नाउ इट इज मच बेटर। ओके फिर ये देखिए 17-18 तक जाती है पर जब हम टावर से दूर होते हैं तो स्पीड काफ़ी कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये वीडियो जो है वो कट नहीं किया है, सिर्फ एक शॉट में ये वीडियो लिया है तो आपको लगेगा कि हम टावर के एग्जैक्टली नीचे हैं। यू कैन इजीली कम टू नो कि हम टावर के एग्जैक्टली नीचे खड़े थे और ये वीडियो जो है हमने वो तब लिया है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट द रिजल्ट नाउ। ये देखिए आप ये एक ये दो और ये तीन, ये तीन जो वीडियोस जो हमने लिए हैं यहाँ पर वो टावर के नीचे, ये एक दो तीन और चार, ये फोर वीडियोस, ये फोर वीडियो वी हैव टेकन बाय स्टैंडिंग एग्जैक्टली नियर द टावर। और ये जो फोर वीडियोस जो हम लिए थे हमने वो हमारे घर के टेरेस के ऊपर जाकर लिए थे जब हम टावर पे थोड़े दूर थे। इट इज 6:25 इन द मॉर्निंग एंड वी आर चेकिंग द स्पीड ऑफ द जियो 4G इंटरनेट। देखते हैं कि मॉर्निंग में इसकी स्पीड क्या होती है। जब अर्ली मॉर्निंग हम चेक करते हैं तो बहुत ही कम व्यूवर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं इंटरनेट, तो अभी एक्सपेक्ट कि हमें मॉर्निंग में ज़्यादा स्पीड मिलेगी इवन स्टेइंग फार अवे फ्रॉम द टावर। ओके ऑलराइट, ये देखिए स्पीड जो है जो तुरंत ही जो है वो ऑलमोस्ट 10 Mbps के नज़दीक में रहती हैं। एंड दिस इज द अपलोड स्पीड। वी विल चेक अगेन। ओके तो हर बार जो है वो स्पीड 9-10 Mbps के बीच में रहती है इवन बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द टावर। जो कल शाम को हमने जब चेक किया था तो वो ऑलमोस्ट 2-3 Mbps के आसपास रहती थी, पर मॉर्निंग में जो है वो यूजर्स जो होते हैं वो कम होते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो स्पीड जो है वो अच्छी मिलती है। ये डेफिनेटली थोड़ी कम स्पीड है क्योंकि मैंने अभी चेक किया था 15 मिनट पहले जो मुझे मोर देन 20 Mbps की स्पीड मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट में, ये देखिए ये जो दो बार है वो हमने अभी चेक किया और ये मॉर्निंग में मैंने अभी मॉर्निंग में मैंने चेक किया था एक बार 6:19 AM को,
दैट टाइम द स्पीड वेंट टू ऑलमोस्ट 30 Mbps. लेट्स जस्ट डू वन थिंग, आई एम डिसकनेक्टिंग माई इंटरनेट एंड देन आई एम स्टार्टिंग अगेन. ये मैं वाईफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिलायंस जियो का ये जियो फाई डिवाइस जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं वाईफाई जो है वो चेक कर. और ये देखिए आप जियो फाई में भी देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है वो ग्रीन लाइट जो है वो दिख रही है आपको, दैट इज़ द फुल टावर कनेक्टिविटी. ये जो है डेटा कनेक्शन और ये जो है वो वाईफाई कनेक्शन, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन करके चेक कर रहे हैं. लेट्स ट्राई द स्पीड टेस्ट नाउ. ओके अभी भी यहाँ पर 9 to 10 Mbps के बीच में ही स्पीड दिखा रही है. आई डू वन थिंग, आई क्लोज द एप्लीकेशन कम्प्लीटली एंड देन लेट स्टार्ट द एप्लीकेशन. देखते हैं कि एक बार भी कभी 20 Mbps के ऊपर जाती है या नहीं. ओके लेट्स जस्ट क्लोज द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट अगेन. यस यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 Mbps तक भी मॉर्निंग में स्पीड जो है वो रहती है. ओके अब एक बार लेट्स ट्राई स्विचिंग ऑफ द राउटर कनेक्टिविटी. राउटर कनेक्टिविटी को एक बार हम स्विच ऑफ करके स्टार्ट करते हैं. ये हो गया स्विच ऑफ. अब जो है वो हम लेट मी शो यू मोर क्लियरली बाय डिक्रीजिंग द ब्राइटनेस, दैट वे यू कैन एक्चुअली सी द राउटर इज बीइंग स्विच ऑन अगेन. ये देखिए राउटर जो है वो स्विच ऑन हो चुका है. ओके द वाईफाई इज कनेक्टेड नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द स्पीड टेस्ट अगेन. अभी भी स्पीड जो है वो तकरीबन तकरीबन 12 से 15 Mbps के बीच में रहती है. इन द मॉर्निंग टाइम इट इज़ अराउंड 6:31 AM राइट नाउ. सो जो स्पीड होती है द फाइनल वर्डिक्ट इज लाइक जो स्पीड होती है वो डे टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम जो ऑलमोस्ट अराउंड वी कैन से कि between 9 AM to 9 PM in the during the daytime जो स्पीड रहती है वो शायद 10 Mbps के नीचे तक भी जाती है, लेकिन इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम द स्पीड गो अप टू ऑलमोस्ट 20 to 30 Mbps इवन वेन यू आर स्टेइंग फार अवे फ्रॉम द टावर्स. बट इन द इवनिंग वेन यू गो क्लोजर टू द टावर जो स्पीड होती है वो तकरीबन 30 से 40 Mbps तक जाती है. सो दिस इज हाउ रिलायंस जियो वर्क्स. इन द प्रीव्यू ऑफ आवर
नाउ यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू रियली बाय इट और नॉट. थैंक यू फ्रेंड्स.